प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के क्षेत्र केंद्र के भूमि पूजन व शिलान्यास सहित विभिन्न कार्यक्रमों में लिया प्रतिभाग। गोरखनाथ मंदिर में बैठक कर अधिकारियों को हर व्यवस्था चाक चौबंद करने की दी हिदायत। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, सोमवार को लखनऊ के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रपति के गीता प्रेस आगमन से पूर्व सीएम योगी ने परखी तैयारियां, अधिकारियों व गीता प्रेस प्रबंधन को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हर इंतजाम की जानकारी लेकर बोले सीएम, गीता प्रेस की ख्याति के अनुरूप संपन्न हो राष्ट्रपति का कार्यक्रम। 4 जून को गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ करने आ रहे हैं राष्ट्रपति। गोरखनाथ मंदिर जाकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन भी करेंगे राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र भवन की रखी आधारशिला। कहा, राष्ट्र शिक्षा नीति से बढ़ा मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का महत्व। डिजिटल इंडिया की परिकल्पना पीएम मोदी की दूरदर्शिता की है परिचायक। तीस केंद्रों पर उत्तर प्रदेश चयन आयोग की परीक्षा जनपद में सकुशल हुई संपन्न। 14,088 अभ्यर्थियों में से 6,303 अभ्यर्थी परीक्षा में हुए शामिल। 7,777 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र भवन का भूमि पूजन कर सीएम ने पारिजात कल्पवृक्ष व मौलश्री के रोपे पौधे, दिया पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संदेश। जहर खुरानी गैंग के 3 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 90 ग्राम नाजायज इसमें किया बरामद, भेजा जेल। ऑपरेशन पाताल के तहत शाहपुर पुलिस ने एक शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में विशेष लोक अदालत का किया गया आयोजन। कहा, विशेष लोक अदालत में कुल आए 418 आर्बिट्रेशन वाद, 52 वादों का किया गया निस्तारण।